अच्छा जी, हुमदा सोहेल साहिबा, तुम इटली गई थी? रोम गई थी? क्या करना है? छुट्टियों पे गए थे। छुट्टियों पे सवार होके गए थे? छुट्टियों के ऊपर छुट्टियों में गए थे हजूर। तो वहाँ पे हमने वो असहाबे कहफ भी देखी थी, जिनका कुरान में देखी थी, कहफ देखी थी। ठीक, हाँ, किस तरह देखी थी? अंदर, चलो खैर सवाल बाद में करेंगे, तो पढ़ दो। अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सूरत कहफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयात याद करेगा वो दज्जाली फितने से महफूज रहेगा। इस सूरत का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने कि ये किताब यानी कुरान मजीद इसलिए उतारी है ताकि पहली कुतब की गलतियों को दूर करे और जिन्होंने खुदा का बेटा बना लिया है उन्हें डराए, क्योंकि इब्तदा में ये लोग इंतहाई कमज़ोर थे। इन्होंने दीन की खातिर बड़ी तकालीफ उठाई और 300 साल से ज़ायद अरसे तक इनको गारों में ठहरना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया और उन्हें बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दीं, मगर वो तरक्की हासिल करके शिर्क में मुब्तला हो गए और बजाय दीन की तरफ झुकने के दुनिया की तरफ झुक गए। बस मुसलमानों को चाहिए कि इस कौम के हालात से इब्रत हासिल करते हुए 3 चीज़ों से बचें। पहली ये कि इबादत में सुस्ती ना हो, और दूसरी ये कि दुनियावी माल की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो, और तीसरी ये कि ऐश व इशरत इख्तियार ना करें। फिर फरमाया कि मुसलमानों और ईसाइयों की मिसाल इन 2 लोगों की तरह है जिनके बागात थे। एक अपनी दौलत पर गरूर करता था, जबकि दूसरा खुदा की तरफ तवज्जो करता था, लेकिन अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा जो खुदा की तरफ तवज्जो करता है। फिर फरमाया कि आखिरी ज़माने में दज्जाल भी ज़ाहिर होगा। बस इस फितने से बचने के लिए मुसलमानों को हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। इस सूरत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इंतहाई ख़ूबसूरत पहलू बयान किया गया है कि जब आपको ईसाई कौमों की तबाही की खैर दी गई तो आपने इतना गम किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीसी असफ़ा। बस क्या तो शिद्दत गम के बायस उनकी बचने अपनी जान को हलाक कर देगा अगर वो इस बात पर ईमान ना लाएं। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कैसे अफसोस की बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस अज़ाब पर जो मसीहियों पर 1300 साल बाद आना था ऐसा गम महसूस करते हैं कि गोया अपनी जान को हलाक कर देते हैं, मगर मसीहियों के पास मुसन्निफ़ अपने ही मोहसिन को रात दिन गालियाँ निकालते हैं। अब मैं कैटाकम्स ऑफ रोम के बारे में बताती हूँ। कहफ से मुराद वो गारें हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। जब ईसाइयों पर जुल्म हुए तो उन्होंने इब्तदा में इन गारों में पनाह लेनी शुरू कर दी। ये बेसमेंट 3 मंजिलों पर बने हुए हैं। हर कमरे से 4 रास्ते बना दिए गए हैं। इनमें से एक रास्ता तो अगले कमरे की तरफ जाता था। 3 मंजिलें जो है नीचे 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 जाती हैं। जी हजूर, ऊपर तो नहीं जाते? नहीं, ऊपर नहीं, सीढ़ी नीचे। तो अगले कमरे की तरफ जाता था, जबकि बाकी रास्ते कुछ दूर जाकर बंद हो जाते थे। बाज़ रास्ते 15 मील की लंबाई तक चले गए हैं, जबकि सारे रास्तों की लंबाई कई 100 मील तक जाती है। असहाबे कहफ ने गारों में नहायत अहम तहरीरें और पेंटिंग्स छोड़ी हैं, जिनके मुतालिक यूरोप के लोगों को बहुत बाद में पता चला है, जबकि कुरान मजीद असहाबे कहफ को असहाबुर रकीम भी फरमाता है, यानी तहरीरों वाले। ये भी कुरान मजीद का एक एजाज़ है। वो कतबे जो कैटाकॉम्स में लगे हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि उन ईसाइयों में शिर्क ना था। उन कतबों में मसीह को खुदा का बेटा नहीं बल्कि एक शेफर्ड की शक्ल में दिखाया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से को नीज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में कबूतर को भी दिखाया गया है। असहाबे कहफ बहुत मेहनती थे। जब भी अहले रोम ने गारों में उतरकर उनको पकड़ने की कोशिश की तो गार के मुंह पर एक कुत्ता उनकी हिफाजत करता हुआ पाया। ये तस्वीरें तो तुम्हें अब भी नजर आई थी? हाँ जी, उन्होंने पेंटिंग्स की भी हैं, महफूज हैं जी, दीवारों पे ही उन्होंने की। ये तो तुम जो सारा पढ़ रही है तो तस्वीरें कबीर से लिख के लाई हुई हो जी, उसकी वहाँ से भी लिया है। लेकिन अभी तस्वीरें हैं ना वहाँ पे, हैं तस्वीरें लेकिन अंदर खींचने की इजाज़त नहीं थी। और वो अपने दिफा के लिए और छुपने के लिए पहले ही इससे तैयार हो जाते थे। ईसाई कौमें जो कुत्ते से मोहब्बत करती हैं उनको अभी तक ये इल्म नहीं कि वो क्यों कुत्ते से मोहब्बत करती हैं। बाइबल में तो कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता। कुरान करीम से पता चलता है कि एक बहुत लंबे अरसे तक सच्चे ईसाई अपनी हिफाजत के लिए कुत्ते को इस्तेमाल करते रहे। जहाँ तक असहाब कहफ की तादाद का ताल्लुक है, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया है कि उनका तफसीली इल्म किसी को नहीं, इसलिए उनसे इस बारे में सरसरी बात किया कर, तफसीली बहस में ना पड़ा कर। हदीस में है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबुल कहफ़ी अवानुल महदी, यानी असहाब कहफ महदी के मुरीद हैं और उस पर ईमान लाने वाले लोग हैं। बस हम जो महदी के मानने वाले हैं, ये लाजमी है कि हम पर भी मुश्किलात और तकलीफ़ें आएँ, लेकिन हमें इन मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए बल्कि हर हाल में सब्र दिखाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हुजूर, अगर कोई एक दो सवाल किसी ने पूछना हो। तुमने क्या देखा, तुम ये तो बताओ। हुजूर, अंदर से तो उन्होंने सिर्फ आधे घंटे का टूर दिया था क्योंकि वो ये कहते थे कि नीचे ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा आती, तो शुरू में जब वो ज़्यादा लंबा चौथी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, वहाँ तो जा नहीं सकते, नहीं जा सकते, उन्होंने वो सारे बंद कर दिए। पहली मंजिलों में तो जा सकते हैं जी, पहली दूसरी तीसरी तक गए थे। तो उसमें जब खलीफत मसीह सानी गए थे, ये भी देखने गए थे, उनको उस वक्त ज़माने में पाबंदी इतनी नहीं थी, वो तीसरी मंजिल तक चले गए थे नीचे, लेकिन वहाँ जाके कहते हैं इतनी नमी थी, मॉइस्चर था और कमी थी ऑक्सीजन की जी कि वहाँ सांस भी रुकता था। वो लोग पता नहीं उस ज़माने में किस तरह रहते थे। जी, आप भी यही, उन्होंने इसलिए यही बताया था कि आधे घंटे से ज़्यादा वो टूर नहीं करवा सकते क्योंकि अंदर से ज़मीन की गैसें भी होती हैं। अच्छा, ये बताओ, सवाल करो इससे। ये सिर्फ जो हैं ये केव्स जो हैं, या काफ जो लफ्ज़ है अरबी ने इस्तेमाल किया ना काफ, तो इंग्लिश में तुम केव कहते हो, तो ये केव्स बनाते थे, उसमें से आगे फिर उनको खोलते चले जाते थे, तो इसलिए भी ये सिर्फ ये रोम में ही है, कहीं और भी हैं? नहीं, और जगहों पे भी हैं हुजूर। कौन कौन सी जगह हैं? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, इजिप्ट, पेरू, यूक्रेन, स्पेन, स्कॉटलैंड और लंदन में लैम्बर्थ में भी हैं। हैं? लंदन में लैम्बर्थ में भी। तुमने ये कहाँ से लिया है इन्फॉर्मेशन? मुझे ये मलिहा मुनव्वर ने बताया था। मलिहा मुनव्वर ने कहाँ से लिया इन्फॉर्मेशन? हज़रत, मैंने इंटरनेट पे थोड़ी सी रिसर्च की थी। तो नेपल्स में और माल्टा में और सिसली में है। अच्छा, इनका नहीं मुझे पता था। हाँ, वो उनका मुझे इल्म नहीं था। हैं, वहाँ भी है ना। ये बताओ, सवाल करो इससे। ये जो साहब काफ थे कि एक वक्त के ही थे या मुख्तलिफ वक्तों में थे और मुख्तलिफ इलाक़ों के थे? ये मुख्तलिफ इलाक़ों के भी थे। ये वो थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्ची तालीम पे ये अमल करते थे और उनकी पैरवी करते थे, तो इस वजह से ये इनको जिधर भी इन पर तकलीफ़ें आती थी, उनको मुश्किल आती थी, तो वहाँ पे हर जगह वो गारों में छुप जाते थे। तो इनके काफ़ी जगहों पे ग्रुप्स थे। असल में ये जो बने थे पहले गार जो बनाए थे, ये इसमें पुराने जो कब्रिस्तान थे ना, उनके लिए भी बड़े बड़े कमरे बनाते थे वो। हैं, उनको फिर खोद खोद के उन्होंने वहाँ जाके मैंने छुपना शुरू किया, फिर उन्होंने खोद खोद के आगे अपनी जगह और बना ली। जी जी। हज़रत, मैंने इस बारे में पढ़ा था कि जो परसिक्यूटेड ईसाई थे वो ज़मीन ख़रीद नहीं सकते थे ताकि वो दफना सके, तो फिर इस वजह से भी फिर वो नीचे जाते थे ताकि वहाँ पे वो भी कमरे थे। ये भी हो सकता है। ये आजकल बाज़ इलाकों में अहमदी तो साहब काफ़ी बने हुए हैं, छुप छुप के रहते हैं। पाकिस्तान में कानून कहता है नमाज़ नहीं पढ़ सकते, कलमा नहीं पढ़ सकते हैं। और क्या है? सवाल करना चाहती हैं। कौन सवाल करो? याद पहले याद कराया मैं सवाल, या वैसे ही इन्होंने खुद सोच के बताया कि ये सवाल इसके बारे में। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस रहते थे कि वहाँ पे और भी मज़ाहब के लोग रहते थे? वहाँ काफ में, जी काफ में, केव्स में। वो जो उसने बताया था ना, जो प्रोसिक्यूटेड क्रिश्चियंस थे जो एक खुदा पे यकीन करते थे और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का नबी मानते थे, बेटा नहीं मानते थे, वहाँ जो तस्वीरें बनी हुई हैं उनमें भी उनको एक शेफर्ड की सूरत में ज़ाहिर किया गया, ना कि खुदा के बेटे की सूरत में जिस तरह अब इन्होंने बना दिया हुआ है। इसलिए और वहाँ जो बादशाह थी उस वक्त तो वैसे भी ईसाई के ख़िलाफ़ थी, हैं, उनका अपना पुराना मज़हब था, तो इस वजह से उनको वो छुपते थे। तुमने बताओ, जवाब दो। माइक्रोफोन लो ना, तो उनको पता लगे कि तुमने भी बड़ा इल्म हासिल किया हुआ है। नहीं, वो ईसाई ही होते थे क्योंकि उस ज़माने में यहूदी उनको प्रोसिक्यूट किया करते थे ना, वो जब भी बाहर आके तबलीग करते थे। यहूदी तो नहीं, वो तो वैसे भी अपने उनका ट्रेडिशनल मज़हब थे उनके पुराने, जी, जो ईसाई रोम का जो बादशाह थी कंस्टेंटाइन के, तो वो जब भी अपनी तबलीग किया करते थे तो वो उनको मतलब मारते थे, तो वैसे ऐसे ईसाई ही थे जो ज़्यादा कैटाकम्स में छुपते थे। यहूदी तो खुद है खुदा को मानने वाले हैं, वो तो खुद मानते